Morning students, today we will write the word meanings of chapter 3 domestic animals. Domestic means gharelu, farm means khet, useful means upyogi, milch animals means doodh dene wale janwar, curd means dahi, strength means bal ya shakti, honey means shahad, leather means chamda, wax means mom. प्लग मीन्स खेत जोतना, लोड मीन्स वजन, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, शेल्टर मीन्स शरण या आश्रय, टेक केयर मीन्स देखभाल करना. एंड नाउ टेक द करेक्ट आंसर. डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स रखे जाते हैं एट फार्म्स, एट स्कूल, एट पार्क. कहाँ रखे जाते हैं? खेतों पर, स्कूल में या पार्क में? सो द राइट आंसर इज एट फार्म्स. विच एनिमल गिव्स अस एग्स, कौन सा जानवर हमें अंडे देता है? हैन, हॉर्स, काउ. सो द राइट आंसर इज हैन. विच एनिमल गिव्स अस वूल, कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? एंड ऑप्शन है डोंकी, डक, शीप. तो वूल हमें किससे मिलती है? शीप से. विच एनिमल इज यूज टू कैरी लोड्स, कौन सा एनिमल है जो वजन को ले जाने के या वजन लादने के काम में आता है? काउ, हॉर्स, डक. सो द राइट आंसर इज हॉर्स. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. नंबर वन, एनिमल्स गिव अस फूड, मतलब जानवरों से हमें फूड मिलता है और मीट है, एग है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है, इसलिए ये ट्रू होगा. नंबर टू, वी गेट एग्स फ्रॉम द काउ. हमें अंडे गाय से मिलते हैं, लेकिन हमें अंडे कहाँ किससे मिलते हैं? हैन से. काउ से तो हमें मिल्क मिलता है. सो दिस इज फॉल्स. नंबर थ्री, वी यूज वूल टू मेक वूलन क्लॉथ्स, मतलब हम वूल का यूज गर्म कपड़े बनाने में करते हैं. एंड दिस इज ट्रू. And next, donkey and horse are work animals. और हमने चैप्टर में पढ़ा था वर्क एनिमल्स क्या होते हैं. वर्क एनिमल्स वो होते हैं जो कि कैरी लोड करने का काम करते हैं और हमारी काम में हेल्प करते हैं. तो डोंकी और हॉर्स दोनों ही ऐसे एनिमल हैं जो कि लोड कैरी करने का काम करते हैं, इसलिए ये ट्रू होगा. एंड नाउ योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 3 इन योर होमवर्क. थैंक यू.